स्थानीय कोटे से संपन्न हुए बिहार विधान परिषद चुनाव का जो परिणाम आया, कई जो नए सदस्य हैं इस बार बिहार विधान परिषद के अंदर दिखेंगे, तो वहीं अब परिषद में नए चेहरे और जो पुराने चेहरे हैं उनको लेकर अब जो जिम्मेदारी है वो भी तय कर दी गई है। नए 24 उम्मीदवार अब जब परिषद पहुंचेंगे तो उनका क्या भूमिका होगा, इसको लेकर जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। बात की जाए तो स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद के चुनाव संपन्न होने के बाद सदन में सत्तारूढ़ दल के सचेतक और उप मुख्य सचेतक के नाम की जो घोषणा है वो कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के MLC दिलीप कुमार जायसवाल को सत्तारूढ़ दल का उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। गौरतलब हो कि दिलीप जायसवाल के पास पहले भी ये जिम्मेदारी थी, लेकिन स्थानीय निकाय कोटे से उनकी सदस्यता अवधि पूरी होने और अब जब चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद फिर से उनकी नियुक्ति की गई है। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल के दो सचेतक के तौर पर नीरज कुमार और रीना देवी को मनोनीत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भेजे गए पत्र के बाद बिहार विधान परिषद सचिवालय ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सचिव विनोद कुमार की तरफ से ये बताया गया है कि कार्यकारी सभापति ने इस संबंध में नीतीश कुमार के पत्र के आधार पर सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक और सचेतक के पद पर माननीय सदस्यों की मनोनीत की है और इनके मनोनय 18 अप्रैल से प्रभाव में लाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो 24 सीटों पर इस बार MLC के चुनाव संपन्न हुए उसके बाद वापस से पुराने चेहरों पर जो भरोसा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया है। जो दिलीप जायसवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं, उनको एक बार फिर परिषद के अंदर बड़ी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। उप मुख्य सचेतक के तौर पर अब वो परिषद में रहेंगे। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी नेता और MLC नीरज कुमार को मुख्य सचेतक बनाया गया है। वहीं रीना देवी पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्य सचेतक के लिए मनोनीत किया है। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि अब जब परिषद की कार्रवाई होगी तो किस तरीके से ये जो नए MLC हैं वो अपने जो वोटर्स हैं उनके लिए सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही लंबे वक्त से परिषद के अंदर जो संख्या बल थी वो कम हुई थी, लेकिन अब पुनः जब परिषद की शुरुआत होगी, जब सत्र चलेगा, उसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये जो नए MLC हैं वो परिषद के अंदर काम करेंगे। बहरहाल तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, पर एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।